सो हे व्हाट्सअप बडीज, तो भाई क्या हाल चाल। आ चुके हैं मैं एक और नई वीडियो के साथ वापस से। तो भाई लोग, आज की वीडियो में बात करेंगे ऐश के भाई लेजेंडरी टीम के बारे में और साथ ही मिथिकल टीम के बारे में, जो कि हमने भाई हाल ही में कुछ वीडियो बनाई थी जो कि भाई उसकी मिथिकल और लेजेंडरी टीम को लेके थी। हमने भाई पूरी मतलब जितनी भी मिथिकल और लेजेंडरी पोकेमोन को छांट पीट के ऐश की टीम के अंदर डाला था। अगर तुमने वो मेरी मतलब वीडियो नहीं देखी तो क्या कर रहे हो, अभी के अभी मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, जाके देख लो। अब यहाँ पे इस वीडियो में तो हम मतलब कंपैरिजन करेंगे जो कि मिथिकल की होगी एक तरफ और लेजेंडरी टीम की होगी। अब इन दोनों में से देखते हैं कौन जीतेगा। ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है, सो मेक श्योर तुम लोग पूरी एंड तक देखोगे। बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। अभी देखो, मैं ना हर एक टीम में से एक एक पोकेमोन को लूंगा और उन दोनों की कंपैरिजन करेंगे। अब यहाँ पे जो बंदा सबसे ज्यादा मतलब पोकेमोन ज्यादा होंगे सो वही टीम जीत जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहले भाई लेजेंडरी पोकेमोन में से देखते हैं। जो लेजेंडरी टीम के अंदर जो पहला पोकेमोन था जो कि भाई रेक्वाजा, और यहाँ पे जो मिथिकल टीम के अंदर जो पहला पोकेमोन है जो कि भाई डार्करा है। अब इन दोनों में कंपैरिजन की जाए सो भाई मेक श्योर देखते हैं कौन जीतेगा। अब देखो यहाँ पे भाई डार्करा एक लेवल के लिए तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाता है, पर यहाँ पे जो रेक्वाजा है वो गॉड पोकेमोन है। तो यार मैं जितना जानता हूँ यहाँ तक कि भाई जो रेक्वाजा है वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। सो यहाँ पे मेरे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं रेक्वाजा के जीत जाने के, क्योंकि डार्करा भाई उस लेवल का नहीं लड़ पाएगा जितना भाई रेक्वाजा से लड़ा जा सकता है। सो यहाँ पे भाई जो एक प्लस पॉइंट हो जाता है भाई लेजेंडरी टीम के अंदर। अब जरा भाई दूसरे पोकेमोन की देखी जाए। अब जो सेकंड नंबर पे पोकेमोन लेजेंडरी टीम के अंदर आता है जो कि अभी डेलगाय, और यहाँ पे जो मिथिकल टीम के अंदर आता सेकंड पोकेमोन जो कि अभी मेलमेटल। यहाँ पे दोनों ही पोकेमोन काफी ज्यादा तगड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो यार एक लेवल के लिए जो अलग अलग तरह के मूव्स है, और ये कह सकते हो साइकिक मूव, साइकिक नहीं मतलब ऐसे कह सकते तो ना हाइपर टाइप के बीम काफी ज्यादा जो कि भाई डेलगा में काफी ज्यादा हो जाते हैं। अब जो मेलमेटल एक लेवल के लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो हो जाता है लड़ाई में आमने सामने की, अगर ये उड़ाई जाए तो एक बार के लिए देखा जाए यहाँ पे डेलगा जीत सकता है। और साथ ही जो मेलमेटल है वो स्ट्रॉन्गेस्ट में काफी ज्यादा हो जाता है। अब मेरे हिसाब से तो मैंने काफी रिसर्च करने के बाद पता करा तो यार यहाँ पे डायगा के काफी ज्यादा चांसेस आ रहा है, मतलब दोबारा से भाई जो प्लस पॉइंट भाई मतलब कह सकते हो लेजेंडरी टीम के अंदर ही जा रहा है। सो यहाँ पे दोबारा से भाई जो लेजेंडरी टीम है जीत चुकी है। अब ये तो सेकंड नंबर के पोकेमोन काफी आसानी से निपट गए, पर जो थर्ड नंबर के पोकेमोन है काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाले हैं। यहाँ पे जो थर्ड नंबर का पोकेमोन आता है लेजेंडरी टीम की तरफ से जो कि भाई आर्टिकूनो। अब यहाँ पे जो मतलब थर्ड नंबर की तरफ से जो मिथिकल पोकेमोन के अंदर है जो कि भाई विक्टिनी। भाई यहाँ पे देखो विक्टिनी काफी ज्यादा छोटी पोकेमोन हो जाती है मेरे हिसाब से, ऐसे मैंने इतने भी ज्यादा लड़ाई करते हुए नहीं देखा, बस हाँ इतने ज्यादा इसके चमत्कार कह सकते हो, एक अलग ही मैजिशियन टाइप की भाई पोकेमोन लगती है, और मेरे हिसाब से भाई ये शायद ही आर्टिकूनो से उस लेवल तक लड़ पाएगी। यहाँ पे तो यार दोबारा से मुझे प्लस पॉइंट दिख रहा है भाई लेजेंडरी टीम की तरफ से, क्योंकि यार विक्टिनी मतलब कह सकते हो इस लेवल की नहीं है स्ट्रॉन्गेस्ट। तो यहाँ पे यार दोबारा से मेरे हिसाब से यहाँ पे भाई आर्टिकूनो जीत जाती है। अब मैं कन्फर्म नहीं हूँ, तो तुम एक बार कमेंट करके बता देना कि यार इस बंदे की जगह तूने इस बंदे को काफ़ी सही तरीके से जिता सकता था। सो हाँ सब्सक्राइब भी दे मारो। अब बारी आते भाई हमारे फोर्थ पोकेमोन की। फोर्थ पोकेमोन, हाँ भाई हमारे थर्ड पोकेमोन तो हो चुके हैं, हमें यहाँ पे फोर्थ पोकेमोन है जो कि लेजेंडरी टीम की तरफ से है जो कि पलका है। यहाँ पे पलका भी काफी सही हो जाता है, और साथ ही जो फोर्थ पोकेमोन में जो मिथिकल टीम है जो कि है भाई जिराची। जिराची नहीं, आई थिंक क्या था यहाँ पे थी भाई हुपा। हाँ यहाँ पे हुपा एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन हो जाता है, क्योंकि यार ये अपने हुप से कोई भी किसी तरह के पोकेमोन हो या किसी भी चीज़ को वो अपनी मर्जी से निकाल सकता है। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्लस पॉइंट है भाई मिथिकल टीम को लेके। सो आई थिंक इस बार भाई मिथिकल टीम आसानी से जीत गई, क्योंकि यार पलका किसी हालत में इसके सामने नहीं इतनी आसानी से टिक पाता। अभी जो भाई फोर्थ नंबर पोकेमोन आ रहा है जो कि भाई लेजेंडरी टीम की तरफ से, अब यहाँ पे जो पोकेमोन हो जाता है जो कि भाई लाटियास एंड लाटियोस। यहाँ पे ये दोनों पोकेमोन की जोड़ी काफी ज्यादा मस्त है, और साथ ही जो मतलब मिथिकल पोकेमोन की टीम से तरफ से आता है जो कि अभी म्यू। यहाँ पे तुम जानते होंगे फिफ्थ नंबर के पोकेमोन है। अब म्यू यहाँ पे भाई आसानी से जीत जाता है, यहाँ पे कोई कहने की बात नहीं, क्योंकि ये पोकेमोन काफी ज्यादा साइकिक पोकेमोन में से एक है, और तुम जानते हो कि हाँ यार एक बार के लिए लाटियास एंड लाटियास दोनों कंपेरिजन में लड़ तो सकते हैं पर उस लेवल का नहीं लड़ पाएंगे। यहाँ पे कुछ ही पोकेमोन जो होंगे जो म्यू की काफी टक्कर के होंगे, वरना मेरे हिसाब से तो यार म्यू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन में से हो जाता है। और यहाँ पे भाई साथ ही जो मतलब एक और प्लस पॉइंट आ चुका है भाई मिथिकल टीम की तरफ से, यहाँ पे अभी दोनों भाई बराबरी बराबरी पे हैं, मतलब कह सकते हो लेजेंडरी के भी अभी नहीं, लेजेंडरी बराबरी शायद तीन है लेजेंडरी के, और यहाँ पे भाई मिथिकल के दो हैं। अब ये
लास्ट वाला पोकेमोन बताएगा कि कौन जीत सकता है और कौन हार सकता है। अब बारी है भाई हमारे लास्ट 6 पोकेमोन के जानने की, जो कि भाई लेजेंडरी टीम की तरफ से जो कि है भाई यहाँ पे ज़ेपडोस। यहाँ पे मेक श्योर तुम जानते होंगे इस बर्ड को, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर और साथ ही इतना ज्यादा स्टोर्स की मतलब इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन के टाइम मतलब कह सकते हो। अब यहाँ पे देखो मिथिकल टीम के अंदर जो कि आ जाता है भाई डिओक्सिस। हाँ, अब तुम इसे भी कमजोर मत समझना क्योंकि ये दोनों काफी ज्यादा टक्कर के हैं। अब यहाँ पे यार मेरे हिसाब से मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ क्योंकि यार इस इन दोनों पोकेमोन में बताना काफी ज्यादा मतलब कह सकते हो काफी डिफरेंस और डिफिकल्ट भी हो सकता है क्योंकि ये दोनों पोकेमोन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और ये दोनों ही मतलब कह सकते हो आमने सामने काफी बढ़िया तरीके से लड़ाई ले सकते हैं। सो ये चीज मैं सोच रहा हूँ यार तुम पे छोड़ दूँ। आई होप यार तुम कमेंट करके जरूर बताओगे कि यार इन दोनों पोकेमोन के बीच में से कौन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। सो ये लास्ट वाला ओपिनियन मैं तुम पे छोड़ता हूँ, ये डिपेंड करेगा कि भाई लेजेंडरी टीम जीतेगी या मिथिकल। सो फैन फॉलोइंग होगी तो जरूर करोगे और साथ ही मुझे भी फॉलो जरूर कर लेना इंस्टाग्राम पे। यहाँ पे हमारी छोटी सी वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रही और साथ ही खत्म भी हो चुकी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।